संडे यानी कि मे बी 14th अप्रैल है आज, और आज जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है, और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है उनकी आज जयंती है। तो आज हम लोग जो है इवनिंग में वो सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी तो कुछ सेलिब्रेट नहीं होगी, तो अभी जो है मेरे सारे काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी अभी अपने बालों को स्ट्रेट कराया, मुझे ऐसे स्ट्रेट बाल काफ़ी पसंद है। मुझे एकदम कॉन्फिडेंट फील होता है जब मैं स्ट्रेट बाल करती हूँ, तो अपने जब कर्ली रहते हैं तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे वैसे जब मैंने काम वाम कम्प्लीट कर लिए, आप लोगों ने देखा होगा मैंने नाश्ता भी कर लिया है। मैंने ये बनाया था उपमा, बेटी को भी खिला दिया है, मैंने भी खा लिया है। एंड अभी जो है मुझे सब्जी बनाने जाना है। मैंने चावल रोटी बना लिया है, बस सब्जी बनाना है। सब्जी जो है मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। चलिए चल के भिंडी की सब्जी बनाते हैं, उसके बाद में मुझे आप सबसे कुछ बातें भी शेयर करनी है। मैं काफ़ी टाइम के बाद में जो है वो शूटिंग कर रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। एक मिनट, ओके। सो ये पीकू रही यहाँ पे, हाय हाय। तो हम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा स्वेट आ गया है मुझे। सो एप्पल दिया, एप्पल दिला होता है ना, नहीं दिला होता फ्रेंड ने पिकू चा। ओके, तो इसके फ्रेंड ने इसके साथ एप्पल शेयर किया था, ये वो बता रही है। सो पर्ची बिलो, तो मेरे कपड़े फोल्ड करने के हैं। मैंने जो है थोड़ी बहुत तैयारियां कर ली है, जैसे रंगोली डाल दी है बाहर में, एंड सीरीज हस्बैंड जी ने लगाया है, कैंडल लगा दी। हाँ दीदी का हैप्पी बर्थडे। हां सांग तू सांग। हमका दीदी का हैप्पी बर्थडे है। हमका नहीं, हमारे हमारे तो रंगोलियों में डाल दी है, कैंडल भी लगा दी है। मेरा लास्ट 14 अप्रैल वाला ब्लॉग में भी किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो हम लोग अभी जाएंगे रैली में, रैली निकलती है यहाँ पे, हम लोग वहाँ जाएंगे। तो अगर हो सका तो थोड़ी बहुत शूट करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चल के मैं सबसे पहले फ्रेश होती हूँ और भगवान के जाते हैं। तो भगवान के पास में थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह लगाना है, तो चलिए चल के लगाते हैं। चलिए चल के लगाते हैं इसी ब्लॉग के साथ, इसी ब्लॉग के साथ, इसी ब्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। चलो मिलते हैं मैं थोड़ी देर में, बता रही है भाई। तब तक नेक्स्ट ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ठीक है। मैं मिलती हूँ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
से आ गए हम, मतलब मैं और मेरी बेटी। तो अभी अभी जस्ट मैं चीज वगैरह करके फ्रेश हुई हूँ सारे। सो मैंने जो लास्ट आपको दिखाया था, हो जब मैंने आपको लास्ट दिखाया था जहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, कोना हैप्पी बर्थडे पर्सन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, आज का है मम्मी, आज का है संडे, आज है संडे। अरे किसका है हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे वो देखो, वो दोनों का हैप्पी बर्थडे। मिट्टू पापा का हैप्पी बर्थडे अभी गए थे हम व्हाइट कपड़े ढालकर पहनकर चल भाग। तो इसको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हिंदी मराठी को मिक्स करके बोल देती है। तो हम लोग गए थे रैली, जहाँ से था हम लोग भी हुआ रैली, जहाँ से गए थे अपन, वहाँ मेरे को खाने मिला था, खा लिया मिले, पानी पिया, टिकट लगा था, पानी पीला। मुझे पापा ने बलून ले दिया तो नहीं दिया। मम्मी से कि पापा से? पापा से गुस्सा हो गए। पापा से हो गए? हाँ। पापा से गुस्सा हो गई मैं। ठीक है, फिर अभी क्यों पापा के पास जाके पप्पी ले रहे थे? हाँ? पापा की किसी कौन ले रहा था? जाओ किसी लेके आ जाओ एक बार। सो मैंने जहाँ पे आपको भीड़ दिखाई थी, पापा ने मुझे बलून लेकर नहीं दिया था। हाँ ठीक है। मैं कह रही थी मैंने आपको जो लास्ट दिखाया था जहाँ पे बहुत भीड़ थी, वहाँ पे जो है प्रोग्राम पर्सन, वहाँ पे जो थी थाम ना बोलो देना माला। तीन चार दिन से ये ना इकड़े देखती तो क्या, तीन चार दिन से जो है वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं। 11 तारीख से वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं, डांस प्रोग्राम रहते हैं वहाँ पे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलते हैं, और आज के दिन फाइनल वहाँ पे रैली जाती है और फिर खाना होता है। तो हम लोग वहाँ गए, खाना वाना खाए, घर पे आए हम लोग। देन फिर हमारे घर के पास से ही रैली जा रही थी, जो रैली स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई है वो रैली घर के पास जा रही थी। तो हम लोग भी फिर उस रैली में चले गए, और मैं जस्ट अभी आई हूँ, 15-20 मिनट्स हो गए सिर्फ, मतलब साढ़े ग्यारह बज के भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे, तब हम लोग जो है आ गए थे, आए हैं। और हस्बैंड जो घर पे ही थे, वो क्रिकेट देख रहे थे, तो मैंने कहा यहीं से रैली जा रही है। हम लोग घर पे आ गए थे, खाना वाना खा के, उसके बाद में जैसे मुझे रैली की मैंने कहा इनको जरूरत है, बोलते नहीं मैं मैच देख रहा हूँ तुम जाके आओ। तो हम लोग चले गए, तो सच में हम लोग यहाँ से पूरा गोल राउंड घूमते घूमते गए कि 12 बज गए, 11:30-12 बज गए। और मेरे हस्बैंड जी जो है गेट पे हमारी राह देख रहे थे। हस्बैंड जी कह रहे थे मैं डर गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं। और जब तक रैली ख़त्म नहीं हुई तब तक जो है, फिर क्या करें पाल छोड़ से, तो जब तक रैली ख़त्म नहीं हुई तब तक जो है हम लोग आए नहीं। जहाँ पे रैली ख़त्म हुई वहाँ पे फिर से आलू भात मिल रहा था, तो जहाँ पे रैली ख़त्म हुई वहाँ से घर पे, घर पास ही था, तो तब हम लोग घर पे हम आके देखते थे, हस्बैंड जी जो है वो गेट पे हमारी राह देख रहे थे। फर्स्ट टाइम जो है मैं घर से बाहर गई थी इतना 11:30-12 बजे तक, फर्स्ट टाइम घर से बाहर रही थी शादी के, मतलब इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम आज हुआ है। हस्बैंड जी कह रहे थे मैं डर गया तुम कब आओगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं, बस यही था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। तो हम लोग घर में कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, था ना पीलू बोलो देना, घर में जो है हम लोग ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग या कैंडल वैंडल्स लगा देते हैं, बस ये सारी चीज़ें जो होती है सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने में, जैसे रैली में जाने में, यही सारी चीज़ें हमें अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम लोग सब जन मिलकर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा 14 अप्रैल का सेलिब्रेशन, तो बताइएगा जरूर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।